चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अहम बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। कोरोना संकट पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब से देश में अनलॉक वन हुआ है, लोगों में लापरवाही बढ़ती ही जा रही है। जबकि लॉकडाउन के दरमियान लोग ज्यादा सतर्क थे। पीएम ने देशवासियों से लापरवाही बरतने वाले लोगों को समझाने और टोकने की भी अपील की। साथ ही पीएम ने कहा कि गाँव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का भी ऐलान किया। इस पर 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। तो पीएम मोदी के संबोधन की ये खास बातें आपके सामने हैं। 5 वो बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए, वो लगातार फर्स्ट इंडिया आपको बता रहा है। क्या कुछ बातें आज प्रधानमंत्री मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि जब लॉकडाउन देश भर में चल रहा था, लोगों ने सलीके से गाइडलाइंस को फॉलो किया, लेकिन जैसे ही देश अनलॉक की तरफ आगे बढ़ा तो लापरवाहियां भी लगातार लोगों की बढ़ती ही गई। अनलॉक वन में भी तमाम लापरवाही लोगों की तरफ से तस्वीरें भी सामने आई, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। लेकिन अब अनलॉक टू चल रहा है, तो ऐसे में अगर आप अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपने जानने वालों को लापरवाही बरतते हुए देखते हैं या फिर कहीं पर पाते हैं कि वो लापरवाही बरत रहे हैं, तो वहीं पर उनको टोकिए, उनको समझाइए और बताइए कि ये उन्हीं के लिए घातक हो सकता है और ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार 9 नवंबर तक करने का ऐलान भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और इसके साथ ही जो अलग अलग फेजेस देश भर में लागू हुए कोरोना काल में, वो लॉकडाउन हो, अनलॉक वन हो, पार्ट टू हो, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से सहयोग की अपील की है। एक बार फिर से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर के कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं।